शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा हमने जमीन के बदले जमीन के लिए केंद्र को लिखा है पत्र, राष्ट्रीय आपदा घोषित होने या स्पेशल पैकेज का कर रहे हैं इंतजार। हिमाचल में लैंडस्लाइड का होगा अध्ययन, सरकार करवाएगी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, लैंडस्लाइड से अब तक 143 लोगों की हुई मौत। सिलेंडर के दाम कम होने पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग का बयान, कहा केंद्र का फैसला हमेशा जनता के हित में होता है, दाम कम होने से लोगों को मिलेगी राहत। सिलेंडर के दाम कम से कहीं राहत तो कहीं सियासत, शिमला में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दाम कम होने को चुनावी जुमला कहा, ऐसे कई और जुमले आना भी बाकी। नालागढ़ की ग्राम पंचायत कुंडू में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, पिछले डेढ़ साल से बनी हुई है समस्या, लोगों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। खबर शिमला से है जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई लोगों की पूरी जमीन और घर तबाह हो गए हैं, जिसको लेकर हमने जमीन के बदले जमीन के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। इसके साथ ही एफसीए और एफआरए को भी पत्र लिखा है, वहीं मक डंपिंग के लिए भी वन भूमि नोटिफाई करने के लिए भी केंद्र से आग्रह किया है। भूमि न होने की वजह से नाले में हो रही है मक डंपिंग, साथ ही सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने या स्पेशल पैकेज का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुंचे, अभी उस संदर्भ में बात हुई है। और कुछ एक चीजों को हमने द्वारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहां खुदाई का काम है, वो संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है, उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने अभी सम्मना कर दिया, जब तक कोई उसकी सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज बैठकें चल रही है और हम उस समय आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में इस बार जगह जगह लैंडस्लाइड से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में अब तक 382 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू में लगातार जमीन धंस रही है, कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है, लोग अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, साथ ही लैंडस्लाइड से मकान धराशायी हो रहे हैं। वहीं प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक लैंडस्लाइड के चलते 143 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा शिमला जिले में 51 लोगों की मौत हुई। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि इस बार जमीन धंसने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर सभी जगह से इसकी जांच कराने का आग्रह किया जा रहा है। सभी जगह पे जमीन धंसने का एक जो नया फिनोमेना शुरू हुआ है, कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ साफ है, परंतु एक पॉइंट पे दुआ से लगता है जैसे कि कोई उसके ऊपर ही कोई बम पड़ गया हो और सारा का सारा नीचे को स्लाइड हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे गांव भी है जहां पर टोटल गांव जो है बिल्कुल एक किस्म से पूरा गांव ही उसमें जो दस सा गया है। तो ये एक नया फिनोमेना देखने में आया है और सभी जगह से डिमांड भी है कि इसका जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कुछ जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद हुई भारी तबाही से उभरने के लिए सीपीआईएम ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए केंद्र से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। जहां सीपीआईएम ने केंद्र से मिली राहत राशि पर भी सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रदेश को हुए नुकसान का आंकलन कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग की है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव ओंकार शाद ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से मिलकर ज्ञापन देकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि सभी दल मिलकर प्रदेश में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक आवाज में केंद्र से मदद का प्रस्ताव भेज सके। हमने जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे भी हमारा एक डेलीगेशन मिला था और हमने
एक मेमोरेंडम जो है कल शाम को उनको जो है वो दिया है, और उसी मेमोरेंडम का जो है हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच भी ले जाना चाहते हैं। ये सुझाव दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों की एक साझा बैठक की जाए, सरकार उस बैठक को बुलाए और उसमें सबको शामिल करते हुए जो है एक ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया जाए। फ्रैंक बात हम आपसे वो शेयर करना चाह रहे हैं, हम अभी खींचना नहीं चाहते लेकिन कहीं ना कहीं ओवरटोन्स राजनीतिक है, ओवरटोन्स राजनीतिक है, अच्छी बात नहीं है। ये ओवरटोन्स राजनीतिक करने के लिए बहुत से और मसले हो सकते हैं। जिसका मकान चले गया है वो ना कांग्रेस है, ना वो भाजपा है, वो ना सीपीआईएम है, वो ना अन्य पार्टी है, वो हिमाचल प्रदेश का निवासी है। फॉर अस हिमाचल प्रदेश और इंसानियत सबसे ऊपर, इसलिए आपको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर लेना चाहिए। बिलासपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करके आमजन को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलेंडर के दाम कम करना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला अभिनंदनीय है। वहीं कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ मिला है और उज्ज्वला लाभार्थियों को इससे डबल फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सदैव जनहित में फैसले लेती है। रक्षाबंधन पर्व पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उपहार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर 200 से 400 रुपए की जो मूल्य में कमी की है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर देश भर की मातृशक्ति को जो तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से पूरे देश भर की जनता को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनावी जुमला बताया है, जहां विक्रमादित्य सिंह ने इसे लोकसभा चुनावों को देखते हुए लिया गया फैसला बताते हुए अभी ऐसे कई और जुमले आने की बात कही है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर अभी और जुमले आएंगे। पीएम हिमाचल को दूसरा घर बताते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा से 350 जान चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया लेकिन इससे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। क्या यह इसलिए नहीं हुआ कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है? वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इंडिया एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसके खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया चुनाव लड़ रहा है। केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो जीडीपी का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी एसजीएसटी का पैसा प्रदेश में टूरिज्म का जो है वो खत्म हुआ है, आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की वो खत्म हुई है, उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है, 300 जाने चली गई है, करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि राज्य में स्थापित कुल 23 बांधों में से 21 ने सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर बिना सूचना के पानी छोड़कर राज्य के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है।
इतने दिन बाद भी राज्य सरकार ने ऐसी दोषी हाइड्रो कंपनियों के प्रबंधकों के खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, इसके क्या कारण है? संजय शर्मा ने कहा कि राज्य में मानव निर्मित आपदा फैलाने में ऐसे बांध प्रबंधकों के साथ साथ संबंधित जिला प्रशासन भी दोषी है। प्रदेश के अंदर लगभग 23 डैम जो है वो प्रदेश के अंदर है, और प्रदेश के मुख्य सचिव का मानना है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है इस बात को, कि 23 में से 21 बांधों ने जो है जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं, बांधों के नियम जो है रूल कर्व जिनको कहते हैं, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि अधिकतर चाहे कांगड़ा के अंदर आई पौंग डैम की बांध बाढ़ है, चाहे मंडी के अंदर जो है वो पंडो डैम का है, तो ये जितनी भी तबाही हुई है इसके लिए जो है वो डैम प्रबंधनों के साथ साथ सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, सरकार का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। नालागढ़ की ग्राम पंचायत कुंडलू के गांव जनौन बैंदी में दो दर्जन परिवार बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में पानी की समस्या पिछले 1.5 साल से बनी हुई है, लेकिन विभाग समस्या का हल नहीं कर पा रहा। वहीं ग्रामवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो उच्च स्तर पर मामला उठाया जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि कई बार विभाग के पास शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है और मजबूरन पानी के टैंकर मंगवाकर गुजारा करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों ने कहा कि बरसात में भी पानी की किल्लत होना विभाग की लापरवाही को बताता है। यहाँ बैंदी जनौन में 1.5-2 साल से कोई पानी नहीं आ रहा। हमने कई बार अनुरोध किया विभाग से भी, सभी कर्मचारियों से, विधायक महोदय से, किसी ने हमारी सुनी नहीं आज तक। हमें ये दिक्कत है, जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिए। हमें पानी की बहुत समस्या है, हम पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा, हमें ऐसा करो, हम तो अपने गांव में टैंकर मंगा रहे हैं, टैंकर से भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। और हमें तो पानी की समस्या, इतने इतने बच्चे छोड़कर हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का भी बुरा हाल है और नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं है, बच्चों के लिए भी पानी नहीं है हमारे गांव में। ऐसा करो कि हमें पानी की समस्या हमारी दूर करो, हमें पानी जरूर चाहिए यहाँ पर। समस्या ये भी सानू पानी पिछले साल 1.5-2 साल हो गए, सारी समस्या सारा दुख किसी ने नहीं दूर करया। असी बथेरा बोल लिया लैन आलिया नो भी, जिन्हों नो असी वोटा पाईया उन्हों नो भी कह लिया, साड़ी सुनाई नहीं किसी ने नहीं पाई। समस्या है वो साड़े पिंड। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।